ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के माल रोड पर स्थित घर गिरने की गगार पर पहुंच चुका है। मकान मालिक का कहना है कि उनके घर के नीचे प्लॉट की अवैज्ञानिक रूप से कटिंग की गई है, जिसकी वजह से उनका घर गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने इस बारे में नगर परिषद को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। यही वजह है कि वे अपने आप को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। सोलन के माल रोड पर स्थित घर गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। मकान मालिक का मानना है कि उनके घर के नीचे प्लॉट की अवैज्ञानिक रूप से कटिंग की गई, जिसकी वजह से उनका घर गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। उन्होंने इस बारे में नगर परिषद को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। यही वजह है कि वे अपने आप को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद से मांग की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में उनकी मदद करें। रोष प्रकट करते हुए घर के मालिक ने बताया कि उनके घर के नीचे कटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से उनके घर की नींव हिल गई है और घर का कुछ हिस्सा गिर भी गया है। उन्होंने बताया कि उनके घर में दरारें भी साफ देखी जा सकती हैं, जिससे अब पानी भी रिसने लगा है। उन्होंने बताया कि घर में बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं, अगर ये घर गिरता है तो वे घर से भागने में असमर्थ हैं, इसके लिए उनके रातों की नींद उड़ चुकी है। इस बारे में वे जिला प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ये नीचे हमारे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मॉल रोड पर बिल्कुल सड़क पर जो एक्सकवेशन हुआ है, जो इन्होंने कटिंग और इलीगल की है 90 डिग्री वर्टिकल, और 13 जनवरी डोड़ी वाले दिन हमारा वेरेंडा वॉल टू वॉल पिलर टू पिलर गेट के साथ आधा वेरेंडा नीचे बाजार में चला गया। नीचे जाने के वजह से पूरी बिल्डिंग हिल गई, जिसमें दरारें आ गई और वेरेंडा वगैरह हमारा जो बिल्कुल एज पे था वो गया, और उसके साथ में जो हमारी छत है वो भी खिसक गई और पिलर्स, क्योंकि ये एक हैवी बिल्डिंग है और साथ में इसके एक ये हेरिटेज बिल्डिंग है, हम यहाँ 50 साल से ऊपर रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस दहशत में हैं अब हम लोग। घर में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं और सब लोग नीचे से देखते हैं। प्रशासन रोज गुजरता है यहाँ नीचे से, लेकिन उन्होंने एक तरह से इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया और ना ही एक तरह से ब्लाइंड आई, दे जस्ट टर्न ब्लाइंड आई, दे वर स्लीपिंग ऑन इट। हम लोग ना तो रात को सो पाते हैं और जब मौसम खराब होता है जैसे ही, वैसे ही दहशत हो जाती है। एक हैरेसमेंट और उसके साथ मेंटल टॉर्चर इतना है, ऊपर से पानी, वो छत के रिपिट्स वगैरह क्योंकि बिल्डिंग नीचे जाने की वजह से वो खुल गए हैं, और वो इस तरह की हमारी है छत की एकदम से रिपेयर भी नहीं कर सकते, और दरारें इस तरह से आई है, नीचे फर्श बैठ गया है, तो ऊपर से पानी इतना ज़्यादा आ रहा है घर के अंदर, पूरा जैसे टैप वाटर खोल दो आप या फ्लडिंग हो जाए पूरी। तो आपने खुद भी देखा है कि दरारें कितनी हैं और क्या, कभी भी ये बिल्डिंग नीचे जा सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा घर है और हमने इतने सारे रूम पीछे की तरफ शिफ्ट भी किए हैं, लेकिन अभी इतनी दहशत बढ़ चुकी है कि हम लोग किराए का मकान ढूंढ रहे हैं विस्थापितों की तरह। 80% फाउंडेशन खराब हो चुकी है और ये हमारा मकान कभी भी गिर सकता है। 13 तारीख को हमारे गेट्स में रिटेनिंग वॉल जो फ्रंट में लगी हुई थी वो गिर गई थी और फिर उसको फिर से बनाया, और नीचे दीमाल सोलन है, वहाँ से बच्चे भी चलते हैं स्कूल के और लोग भी चलते हैं स्कूल से। अगर हमारी बिल्डिंग 7 मंजिल ऊपर है वो गिर जाती है तो उसमें क्या होते हैं, लोगों को भी पब्लिक को भी खतरा हो सकता है, और हमारे को तो खतरा है। मैं अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता हूँ इस मकान में, ये कभी भी गिर सकता है उसकी कटिंग की वजह से। और मेरे ओल्ड पेरेंट्स भी है जो क्या होते हैं 85 ईयर ओल्ड और क्या होते हैं 80 ईयर ओल्ड है, और उनको भी खतरा है इस बिल्डिंग में, वो भाग भी नहीं सकेंगे अगर ये गिर रही होगी तो। वहीं जब इस बारे में खुदाई कर रहे ठेकेदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भवन गिरने वाला बताया जा रहा है वे बेहद पुराना है और उसमें पहले से ही दरारें थी, उनकी खुदाई की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये था दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।